हेलो इंटर स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं कि आपका टेक्स्ट पेपर को लेकर क्या रिवीजन स्ट्रेटेजी होना चाहिए। प्लस इस वीडियो में हम आपको तीन चार पॉइंट बताएंगे, अगर आप उस पर वर्क करते हैं, उसको ध्यान रखते हैं, तो डेफिनेटली एग्जाम में आप 5 to 10 मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर करेंगे। सबसे पहला बात कि रिविजन स्टार्ट कैसे करें, डायरेक्ट टैक्स से करें या इनडायरेक्ट टैक्स से करें। तो देखिएगा, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट पर्सनल चॉइस है, बट हम एवरेज स्टूडेंट को लेकर बात करें तो मेरे को लगता है आपको जीएसटी से रिविजन करना चाहिए, क्योंकि जीएसटी सिलेबस कंपेरेटिवली कम है आपका, और अगर आप फर्स्ट नाइट को जीएसटी खत्म कर लेते हैं तो नेक्स्ट डे आपके पास डीटी के लिए टाइम रहेगा, प्लस फर्दर रिवीजन वापस से आप जीएसटी का कर सकते हैं। तो सेफ साइड आप जीएसटी से रिवाइज कर सकते हैं स्टार्टिंग। और किस चैप्टर को कितना टाइम देना चाहिए, तो इसका एक सिंपल सा थंब रूल बता रहे हैं आपको, पूरा रिविजन वीडियोज हम लोग ब्रह्मास्त्र डाल रखे हैं यूट्यूब चैनल पे। तो आप क्या करेंगे, जो भी जैसे आप जीएसटी स्टार्ट करें से, तो आप सबसे पहले जीएसटी का ब्रह्मास्त्र देखेंगे रेस्पेक्टिव चैप्टर का। अगर चैप्टर को हम लोग 30 मिनट्स में कवर किए रिवीजन वीडियोस में मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आपको उसका 2 टाइम्स खुद को टाइम देना है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, डीटी हो या आईडीटी हो, कितना टाइम दे किस चैप्टर को, थंब रूल है मल्टीप्लाइड बाय 2। जितना रिविजन वीडियो का ड्यूरेशन है उसको आप सुनेंगे स्पीड में, 1.6 या 1.5 या 2x पे आप सुन सकते हैं। सुनने के बाद जितना टाइम था एलोकेट किया गया था ओरिजिनल वीडियो में, उसका 2 गुना आप टाइम देंगे खुद को रिवाइज करने में। उस रिवीजन में आप खुद से रीड करेंगे और 1-2 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो ये 1.5 डे में आपका इजीली कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। तो फर्स्ट डे आप जीएसटी कंप्लीट करिए, नेक्स्ट डे आप डीटी कंप्लीट करिए। एग्जाम वाले दिन को लेकर अलग से हम बताएंगे वीडियो में कि उसमें आपको क्या करना है। नेक्स्ट, इसके अलावा एमसीक्यू पे अगर हम लोग बात कर लें कि एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा एग्जाम में जो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू आता है उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है, कुछ जरूरत के होते हैं और कुछ अनवारंटेड होते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू एग्जाम में आप सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली केस मत पढ़िए, डायरेक्टली जाइए और क्वेश्चंस रीड करिए एमसीक्यू का कि वो आपसे मांग क्या रहा है, सो दैट जब आप वापस से केस पढ़ेंगे तो आप फिल्टर कर पाएंगे कि कौन सा डेटा आपके काम का है, कौन सा आपके काम का नहीं है। तो आप मेक श्योर करिएगा पहले केस स्टडी नहीं पढ़ेंगे, पहले आप क्वेश्चन रीड करेंगे प्लेन, और फिर जब केस पढ़ेंगे तो उससे लिंक्ड से जो पोर्शन दिखेगा उस पर एम्फेसिस करिएगा। नेक्स्ट, इसके बाद अगर अपने बात कर लें तो टैक्स में, डायरेक्ट टैक्स में खासकर 1-2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं उसमें एज दे देता है, जब भी आप कंप्यूटेशन कर रहे हैं पहले तो एसएससी कौन है ये देखिए, इंडिविजुअल है नॉन इंडिविजुअल है। नेक्स्ट, उसके बाद एज दिया तो एज ध्यान रखिएगा स्लैब में इंपैक्ट करेगा। सैलरी अगर आपको दे दिया टोटल इनकम में या सेट ऑफ चैप्टर में और कंप्यूटेड बोल रहा है, दैट मींस वो आपको बोलना चाह रहा है कि वो आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन है। टीडीएस में बहुत लोग गलती करते हैं, टीडीएस अगर किसी इनकम पे एप्लीकेबल है और वो इनकम लिखा हुआ है नेट ब्रैकेट में, दैट मींस आफ्टर टीडीएस है, या वो लिखा हुआ है कि डिविडेंड रिसीव्ड, रिसीव्ड वर्ड बोले, दैट मींस अगेन वो आफ्टर डिविडेंड है। आप बैक कैलकुलेट करके ग्रॉस अप करना और इनकम को कंसिडर करना। तो ये सब सिली मिस्टेक्स आप अवॉइड करेंगे टैक्स में। नेक्स्ट, कौन कौन सा क्वेश्चंस करना है, इसके लिए हम आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में डिटेल दे रखे कि कौन सा थ्योरी क्वेश्चन कहां से, किस टॉपिक से, किस सेक्शन से इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो आप 1.5 डे आज वाले रात और कल वाले फुल डे आप डीटी आईडीटी को इसी तरीके से करेंगे। आई रिपीट, आप कितना टाइम देंगे चैप्टर को मल्टीप्लाइड बाई 2। जैसे हमारा डीटी टोटल में 4 hours 40 minutes का है, तो आप 8 hours 9 hours में कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप मल्टीप्लाइड बाई 2 में करते हैं। और ये जेन्युइन, मतलब ये जो कैलकुलेशन है ना, ये स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से कैलकुलेटेड फिगर है। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम टेलीग्राम चैनल में कुछ क्वेश्चन सॉल्व्ड क्वेश्चन आज आपको शेयर करेंगे, उस क्वेश्चन को आप एग्जाम वाले दिन देखेंगे। हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या हर चैप्टर का जहां से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो हम पीडीएफ शेयर करेंगे। फर्स्ट डे आप मत देखना, आज आप जीएसटी कंप्लीट करिए, कल आप डायरेक्ट टैक्स जो ओरिजिनल बुक से पढ़े वहां से कंप्लीट करिए। एग्जाम वाले दिन मॉर्निंग जब आप उठेंगे ना, वो सॉल्व क्वेश्चंस देख लीजिएगा और देखिएगा वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने वाला है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलिए, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए और इन्फॉर्म करिए कैसा हुआ आपका पेपर। एंड थैंक यू जीरो इन्फी फॉर मेकिंग दिस वीडियो अवेलेबल टू ऑल द स्टूडेंट्स।